अभिनव, सुधांशु, एमजी गेमर, कामेश, हेलो, नितिन, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सबसे पहले जो भी सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सबसे पहले सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। तनु हाय, गुड इवनिंग। दिनकर हाय। तो आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपके जीए जीएस की मेंटोर हूँ। अभी जो हम डेली क्लासेस में कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीए और जीएस का मॉक टेस्ट। अभी अनअकैडमी पे मेरा एक प्लस का कोर्स आया है जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो आप सारे बच्चे इस कोर्स में इनरोल कर लेना। ये पॉलिटी का कोर्स है। ये क्लास हर एक ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है शाम को 7 PM पे, ठीक है। तो जितने भी प्लस के स्टूडेंट हैं सारे बच्चे प्लस में इनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी कॉम्बेट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आप सारे बच्चे फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉम्बेट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा और आप इसको लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा कॉम्बेट का। तो सारे बच्चे एक मिनट रुक जाओ, आप सब एक बार ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको वहाँ पे कॉम्बेट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे बच्चे कॉम्बेट में एनरोल कर लेना। तो हंसूंगी तो दांत ही दिखेगा ना। और ये मेरा रेफरल कोड है वर्षा, इससे आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे और जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिए, जब भी ले 12 या 24 महीने का लेना और कोड वर्षा यूज़ करना, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो जीए जीएस का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन रेसलर हु हैज़ बिन नेम्ड द जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा वर्ष 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया। अब देखो 20 में तो कुछ हुआ नहीं है, तो 19 के भी क्वेश्चन आने की संभावना होगी, ठीक है। तो पहला है आपका कमर रेड्डी, दूसरा है आपका दीपक पूनिया, तीसरा है आपका बीपी राजू या चौथा है आपका अमिता बागची। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट का सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बी दीपक पूनिया, एंड दीपक पूनिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दीपक पूनिया को आपका जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी याद रख लेना, ये आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर। तो 2019 के जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर कौन बने, दीपक पूनिया बने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप सारे बच्चे। अगर क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो के रिजोल्यूशन को चेंज करके 1080 कर लो, ठीक है, 1080 पे लेके जाओ तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है IEA, एंड आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी याद रखना ज़रूरी है, ये कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और आपने कभी न्यूज़ देखा होगा, ये आपके वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की जब रिपोर्ट आई थी तो आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा, वो न्यूज़ ये था कि 2030 तक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा, किसको सरपास करके,
आपका क्वेश्चन बनता है 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा, किसको सरपास करके? ठीक है, बताओ किसको सरपास करके 2030 तक इंडिया सबसे बड़ा तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। तो उसका आंसर याद रखना यूरोपियन यूनियन को, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को। तो करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनेशनल, किसी चाइना नहीं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। तो 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा यूरोपियन यूनियन को सरपास करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 19। तो किसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पे सारे बच्चे 21 बोल रहे हैं, 21 के तहत कैसे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आर्टिकल 19। आपका आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार है ना, तो जीने के अधिकार में आपका फंडामेंटल राइट इंटरनेट का कहाँ से कनेक्शन आपने जोड़ दिया? तो आपका जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम के तहत, आर्टिकल 19 के तहत जो इंटरनेट का यूजेस है, एक्सेस जो है, इसको क्या कहा? फंडामेंटल राइट कहा। ठीक है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनवी रमन ने। ठीक है, 5 जजेस की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी एनवी रमन ने, और जो आपका इंटरनेट का एक्सेस है उसको फंडामेंटल राइट बताया। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 19 के अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, तो वहाँ पे ये बात जो उठी है, मुद्दा जो उठा है, कश्मीर को लेकर के ये उठाया गया था कि वहाँ पे लोगों को जो इंटरनेट नहीं दिया जाता यूज़ करने के लिए, तो इंटरनेट देना ज़रूरी है, होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेहरुन्निसा हु वाज आल्सो नोन एज नूर जहां वाज द वाइफ ऑफ, मेहरुन्निसा जिसे नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है, वो किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए औरंगजेब की, ऑप्शन बी शाहजहां की, ऑप्शन सी जहांगीर की, ऑप्शन डी अकबर की। नेट ख़त्म हो गया है, एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे हैं जहांगीर की। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जहांगीर की। ठीक है, जो नूर जहां थी वो किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी। जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर के बेटे थे। ठीक है, जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर सन थे, अकबर के बेटे थे। और एक क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो किसने बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ठीक है, शालीमार बाग जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये किसने बनवाया था? आपके जहांगीर ने बनवाया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि किस मुगल एम्परर के एरा में, ठीक है, किस मुगल शासक के दौरान, किस मुगल शासन के एरा में आपका पेंटिंग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया? तो उसका आंसर भी क्या होगा? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय पर ही जो आपके पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था इंडिया में। तो आंसर इज सी, जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एलिजा हेले हु क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द हाईएस्ट स्कोरर इन द वुमेन्स T20 बिलोंग्स टू। एलिजा हेले जिन्होंने महिलाओं की T20 में सर्वाधिक स्कोरर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो किस से संबंधित है, किस देश से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी इंडिया से, ऑप्शन सी कैनेडा से, ऑप्शन डी जापान से। ज्योति आप खुद भी तो लड़की ही हो, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, एंड आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है एलिजा हेले। और आप लोगों को मालूम है कि आईसीसी ने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ का,
अप्रैल मंथ का किसे दिया गया था? एलिजा हेले को ही दिया गया था। और मेंस कैटेगरी में किसको दिया गया था? बाबर आजम को। ठीक है, मेंस कैटेगरी में किसे दिया गया? बाबर आजम को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, करेक्ट आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अप्रैल 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था एलिजा को। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकॉनमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बताइए सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है तो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपकी अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ती ही जा रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? आपके रेपो रेट को इनक्रीज कर देगी। ठीक है, आंसर इज सी, रेपो रेट को इनक्रीज कर देगी। रेपो रेट को क्यों इनक्रीज करेगी? क्योंकि आपको मालूम है रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करती है। आपकी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर पैसा लेंड करती है उसको कहते हैं क्या? रेपो रेट। ठीक है, और अगर आप सेंट्रल बैंक ज़्यादा रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो ऑब्वियसली बैंक जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे क्या लेगा? ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसीलिए जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा होता है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि मार्केट में पैसे की क्या हो जाए? कमी हो जाए। ठीक है, और इसी के चलते आपका क्या होगा? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। तो आंसर इज सी, इंक्रीज इन द रेपो रेट। समझ में आया? एम जी गेमर, ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो ही आपकी कमर्शियल बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देगी, और ज़्यादा इंटरेस्ट पे तो आप ज़्यादा पैसा लोगे नहीं। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तभी तो आप खर्चा ज़्यादा करते हो, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का संदर्भित क्या करता है? ऑप्शन ए टोटल डिस्काउंट अ बैंक ऑफर टू द मर्चेंट, ऑप्शन बी अ टोटल डिस्काउंट अ मर्चेंट ऑफर ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी द रेट चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस ऑन अ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, या ऑप्शन डी ओनली टैक्सेस डेट अ डिजिटल पेमेंट एंटेल्स। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ सुधांशु स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मर्चेंट डिस्काउंट क्या होता है। तो अगर आप लोग डेबिट कार्ड पे तो खैर नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड पे ही होता है ज़्यादातर। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी शॉप वगैरह पे जाते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो नॉर्मली पेमेंट हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा आपको कहा जाता है, दुकानदार आपसे कहता है क्या कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपको 2% या 3% या 1%, जनरली वो 2% कहते हैं, आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2% एक्स्ट्रा पे करना होता है ना, ये हमको नहीं पे करना होता है, ये दुकानदार हम पे वो लायबिलिटी डालते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं है, ये काम है उस दुकानदार का कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो वो 2% 3% जो भी बैंक चार्ज करेगा वो उस मर्चेंट से चार्ज करता है, उस दुकानदार से चार्ज करता है, वही जो चार्जेस किया जाता है उसको कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, समझ में आया? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? आप जब किसी भी दुकान पर जाते हैं क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है मर्चेंट को, बैंक को, उसको कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और बहुत जगह आपसे कहा जाएगा कि वो पैसा आप दीजिए, 2% जो चार्ज किया जाता है वो आपसे कहेगा कि आप दो, लेकिन आप कभी भी मत देना, वो आपको नहीं देना होता है, वो उनको देना होता है। क्वेश्चन नंबर एट, द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द थ्योरीज, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम इनमें से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लेटिस गॉक थ्योरी से, ऑप्शन बी क्वांटम थ्योरी से, ऑप्शन सी पार्शियल थ्योरी से, ऑप्शन डी बिग बैंग थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर आठ, ओके प्रकाश, ठीक है, क्लास डेली ये 11:15 बजे से चालू होती है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर कि अमेरिकी साइंटिस्ट एडविन हबल का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर आठ, तो यहाँ पे सारे बच्चे बी सी डी सब दे रहे हैं।
तो आंसर होगा इसका द बिग बैंग थ्योरी। जो अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल थे उनका संबंध था बिग बैंग थ्योरी से, और बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा अर्थ है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज डी द बिग बैंग थ्योरी। और इन्हीं के नाम पे, एडविन हबल के नाम पे ही आपका हबल टेलीस्कोप का नाम पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा था हबल टेलीस्कोप का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज डी द बिग बैंग थ्योरी। गार्गी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं म्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड दिनेश चंद्र सिरचर पब्लिश इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी। दिनेश चंद्र सरकार ने सिरकर होगा ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष में किया था? ऑप्शन ए 1965-66 में, ऑप्शन बी 1967-68 में, ऑप्शन सी 1966-67 में, या ऑप्शन डी 1964-65 में। तो क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पे आधे बच्चे बोल रहे हैं स्किप, आधे बच्चे बोल रहे हैं बी, आधे सी। तो करेक्ट आंसर इज ए 1965-1966 ने। तो दिनेश चंद्र सिरकर ने पब्लिश किया था एपिग्राफी कब? 1965-66 में। एपिग्राफी क्या होता है? जो भी आपके एंशंट इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसको पढ़ने का तरीका होता है एपिग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 9th करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10th, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज मर्दानी खेल वन ऑफ द फेमस मार्शल फॉर्म इन इंडिया बिलोंग्स। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूमों में से एक मर्दानी खेल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए यूपी से, ऑप्शन बी एमपी से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, या ऑप्शन डी राजस्थान से। टाइगर यादव का 9th का ए बिल्कुल ठीक था। भूपेंद्र स्किप कर रहे हैं। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो यहाँ पे पूछा है कि मर्दानी खेल आपके किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से आपका मर्दानी खेल संबंधित है। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जितने भी आर्म्स है उसको यूज़ करने से मना कर दिया था, वरना इसमें आपके आर्म्स वगैरह का यूज़ होता है, लेकिन अब आपके नॉर्मली इसको एक फोक गेम बना दिया गया। ठीक है, वरना ये कैसा था, एक मार्शल आर्ट फॉर्म था मर्दानी खेल, जो कि आपके महाराष्ट्र से करता है बिलोंग और ज़्यादातर कोल्हापुर से। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी एड्स, या ऑप्शन डी सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ मूवी थी रानी मुखर्जी की। तो क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में या एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगी, तो आंसर इज डी सिरोसिस। सिरोसिस आपका एक क्या होता है, लिवर डिजीज़। ठीक है, लिवर डिजीज़ होता है और ये आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। तो क्वेश्चन नंबर 11th करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पे संगीता भारद्वाज का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दीप कश्यप आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिन। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 47 बीसी में, ऑप्शन बी 55 बीसी में, ऑप्शन सी 57 बीसी में, ऑप्शन डी 59 बीसी में। तो विक्रम एरा की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे टाइगर यादव आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विक्रम एरा की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना विक्रम एरा की शुरुआत हुई थी 57 बीसी में। ठीक है, अच्छा आप ये बता दो कि अभी आप लोग जानते हैं कि 2021 चल रहा है। ठीक है,
2021 चल रहा है, तो विक्रम एरा के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से अभी कौन सा वर्ष चल रहा होगा? आप लोग यहाँ पे सभी का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग जानते हैं कि विक्रम एरा शुरू हुआ था आपके 57 बीसी में, तो अभी 2021 चल रहा है, तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी कौन सा वर्ष चल रहा होगा? हम क्या करेंगे, 1072, 1073, 2078। ठीक है, आपसे जब भी पूछे कि विक्रम एरा में ये है तो आपके नॉर्मल ईयर में क्या होगा, या नॉर्मल ईयर आपका ये है तो विक्रम एरा में क्या होगा, तो इसमें आपको हमेशा 57 प्लस या 57 माइनस करना है। जो विक्रम एरा है वो अपने करेंट ईयर से 57 ईयर आगे है, यानी 2021 में अगर आप 57 को ऐड कर दोगे तो 2078 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी हुज रिटायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एज द आर्म्ड फोर्स वेटरन डे एवरी ईयर? भारतीय सेना के पहले जनरल कौन है जिनका सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए के एस थिमैया, ऑप्शन बी एस एम श्रीनागेश, ऑप्शन सी के एम करियप्पा, ऑप्शन डी महाराजा राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, अभिनव पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे सभी का आंसर सी आ रहा है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, के एम करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी थे, ठीक है, फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, इसके अलावा फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, के एम करियप्पा ही थे। ये आपके कब अपॉइंट हुए थे, 15 जनवरी 1949, ठीक है, 15 जनवरी 1949 को ये क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे। और 15 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, आर्मी डे। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं। और जो आपका आर्म्ड फोर्स वेटरन डे है ये हम लोग कब मनाते हैं, 14 जनवरी को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज सी, जनरल के एम करियप्पा। तो सभी का के एम सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द एस डी जी इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, एस डी जी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ऑप्शन बी होम अफेयर्स के द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा, या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे भूपेंद्र का आंसर सबसे पहले आया है, तो करेक्ट आंसर इज सी नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग आपका एस डी जी इंडिया इंडेक्स हर साल बनाता है। इस बार जो बनाया गया था वो कौन सा एडिशन बनाया गया था बताओ, एस डी जी इंडिया इंडेक्स पहली बार ही 2018 का बनाया गया था। इस बार जो टॉप किया है वो किसने किया है, टॉप किया है आपके केरला ने, ठीक है, टॉप किया है केरला ने। सेकेंड नंबर पे था आपका हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, दोनों के बीच टाई अप हो गया था। और लास्ट में जो है, लास्ट है आपका बिहार, लास्ट कौन सा स्टेट था, बिहार। और सेकेंड लास्ट कौन सा है, सेकेंड लास्ट वो था आपका झारखंड, ये भी याद रखना। जो बॉटम टू में थे वो थे बिहार एंड झारखंड, जो टॉप टू में थे वो कौन से थे, केरला और हिमाचल प्रदेश, या केरला तमिलनाडु, जो भी ऑप्शन थे, क्योंकि सेकेंड नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु के बीच में क्या था, टाई था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू कॉल मैच फिक्सिंग अ क्राइम? मैच फिक्सिंग को अपराध कहने वाले पहले दक्षिण एशियाई देश निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 15, सभी का आंसर यहां पे श्रीलंका आ रहा है, भूपेंद्र का, एसडी का श्रीलंका, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका। तो श्रीलंका पहला ऐसा साउथ एशियन कंट्री बन गया जिसने क्या बताया कि मैच फिक्सिंग क्या है, एक क्राइम है, क्योंकि श्रीलंका एक बिल लेके आया था प्रिवेंशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑफेंसेस, ठीक है, ये बिल पास किया था श्रीलंका ने
ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि मैच फिक्सिंग जो है वो क्या है, एक क्राइम है। अगर कोई भी इंसान मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की जेल होगी और साथ ही साथ उस पर फाइन लगेगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक बिल पास किया था श्रीलंका ने, जिसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपका मैच फिक्सिंग क्या है, क्राइम है, अगर कोई भी इंसान पकड़ा जाता है मैच फिक्सिंग में तो उसके ऊपर फाइन तो लगाया ही जाएगा और साथ ही साथ 10 साल की जेल भी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, RBC के अंदर। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो RBC के अंदर पाया जाता है और इसी का काम है कि जितने भी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाना, और जितने भी आपके क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और जितना भी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दोबारा से लंग्स तक पहुंचाना ताकि आप उसको एक्सहेल करके बाहर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच रिवर एंड विच स्टेट इज द जयकवाड़ी डैम सिचुएटेड, जयकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बानस राजस्थान में, ऑप्शन सी पेरियार केरला में, या ऑप्शन डी रावी पंजाब में। चिराग सिंह राव, तुमको अगर तकलीफ हो रही है, तुमको गलत लग रहा है तो तुम बाद में उसको रिपोर्ट कर देना, ठीक है, तुमको प्राइज मिल जाएगा अनअकैडमी से। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। जो गोदावरी रिवर है उस पे बना हुआ है जयकवाड़ी बांध, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर इज ए गोदावरी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, विच लीडर गेव अस द CR फार्मूला, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? ऑप्शन ए CR दास ने, ऑप्शन बी सी राजा गोपालचारी ने, ऑप्शन सी तिलक ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसने हमें CR फॉर्मूला दिया था? तो सी राजा गोपालचारी ने हमको CR फॉर्मूला दिया था। CR फॉर्मूला क्या था? CR फॉर्मूला में उन्होंने ये कहा था कि कैसे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उनके बीच में जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यही उनके CR फॉर्मूला में था। और ये दिया किसने था? सी राजा गोपालचारी ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज बी। भूपेंद्र 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल, एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। अनिल का आंसर बिल्कुल ठीक था, शुभम का भी आंसर बिल्कुल ठीक था, संगीता का, MG गेमर का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे सारे बच्चे कॉपर दे रहे हैं, DK मीना, SD दिनकर, राजन, उत्तम। बिल्कुल करेक्ट, कॉपर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ओनली मेटल जो आपका एंटी बैक्टीरियल होता है वो होता है कॉपर, क्योंकि जो इसके एलॉय होते हैं वो आपके एंटीवायरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, और एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपर को जर्म किलर, कॉपर को हम लोग जर्म किलर या फिर कॉन्टैक्ट किलर या फिर कॉन्टैक्ट किलर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज डी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 20, माधवपुर मेला
टेक्स प्लेस इन, माधवपुर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, या ऑप्शन डी गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ पे लगता है हर साल? क्वेश्चन नंबर 20। सुधांशु अभिलाष, सोमेन, हैप्पी चंदेल, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो माधवपुर मेला होता है ये कहाँ पे लगता है? गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में आपका लगता है माधवपुर मेला। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज डी, गुजरात। सोनू आयुष मैथ्स स्टडी आंसर दे दो। शुभम एमजी गेमर सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 21, सौरभ, सोनू आयुष, डीके मीना, संगीता, पोएट्री हब, उत्तम, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 21, जो आपका यहाँ पे नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट है वो क्या है? आंसर इज सी डीएनए। 21 करेक्ट आंसर इज सी डीएनए। और दिनकर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है डीएनए, सुधांशु का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 22, और जिसको भी वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वो वीडियो का रिजोल्यूशन चेंज करके 1080 पे लेके जाओ। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मरकरी एंड अर्थ? सौर मंडल में ग्रहों के कर्म में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर, या ऑप्शन डी यूरेनस। हिंदी का लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दिया अभिलाष? तो यहाँ पे दीपक, सोनू, हैप्पी चैनल, यदुवंशी, शोमेन, हिमांशु, सभी का आंसर वीनस आ रहा है, एंड वीनस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज बी वीनस। एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना। 23rd, which of the following gases is consistently seen to be the most abundant in the volcanic? ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में देखी जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन सी वाटर वेपर, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 23rd, तो अभिनव का आंसर आ रहा है वाटर वेपर, बाली का वाटर वेपर, शोमेन का भी वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके वाटर वेपर लगभग उसका 60% एमिशन जो होता है वो किसका होता है? वाटर वेपर का होता है। तो 23 आंसर इज सी, जब भी आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस देखी जाती है? वाटर वेपर देखी जाती है लगभग 60% की मात्रा में। वेपर इज द करेक्ट आंसर। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन इन फीमेल? निम्नलिखित में से कौन महिला में प्राथमिक यौन अंग है? ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ओवरी, या ऑप्शन डी वेजाइना। क्वेश्चन नंबर 24th, तो आदित्य राज, यदुवंशी, कुणाल, एम जी गेमर का सी, हिमांशु का सी, एंड आशु खत्री का भी सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ओवरी। ठीक है, जो आपका फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है वो क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बापी देवनाथ का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, संगीता का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, यूनाइटेड नेशन वुमेन प्रपोज टू पार्टनर विद डैश जेंडर पार्क विद एन सिक्योर जेंडर पैरिटी इन साउथ एशिया। संयुक्त राष्ट्र महिला ने दक्षिण एशिया में सुरक्षित लैंगिक समानता के साथ डैश जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी केरला। सुधांशु अच्छी बात है, अगर आपने आंसर दिया था तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यूनाइटेड वुमेन किसके साथ पार्टनरशिप प्रपोज कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। अभिषेक आपका आंसर गलत है, केरला, क्योंकि केरला ही पहला राज्य है जिसने क्या स्टार्ट किया, क्या खोला? जेंडर पार्क। केरला में कहाँ पे खोला? कोझिकोड़े में। ठीक है, कोझिकोड़े में आपका क्या है? जेंडर पार्क है। तो आंसर यहाँ पे केरला ही होगा क्योंकि वहीं पे पहला जेंडर पार्क बना। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी केरला। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे हैं, कुणाल बोल रहे हैं ए, बाकी बच्चे बोल रहे हैं सिक्किम, और हिमांशु आर्य का आंसर बिल्कुल ठीक है, अभिलाष का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, मेघालय। ठीक है, भूटान के साथ जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है वो करता है मेघालय। ठीक है, मेघालय नहीं करता, भूटान के साथ आपके चार स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और जो चौथा है आसाम। चौथा कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है? वो है आपका आसाम। तो क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर इज बी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नर्व होल्ड मोर देन एन इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज इक्वल टू। पहला इलेक्ट्रॉन शेल जो नाभिक के सबसे निकट है कभी भी एन इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रखता है, जहां एन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 8 के, ऑप्शन बी 4 के, ऑप्शन सी 6 के, ऑप्शन डी 2 के। आसाम तो करता है, आसाम तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, 267 किलोमीटर का। सुधांशु आपका कमेंट जा रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सभी का आंसर है 2 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। विद विच स्पोर्ट इज अर्चना कामत एसोसिएटेड? अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस से, ऑप्शन बी स्क्वैश से, ऑप्शन सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन डी बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 28। अर्चना कामत का संबंध किस खेल के साथ है? और कल का शेड्यूल याद रखना, कल 10:30 पे, मैंने टाइम चेंज कर लिया है, 10:30 पे सुबह वाईफाई स्टडी पे क्लास होगी। जो मैंने आपको 11:30 बोला था ना, वो क्लास आप कल 10:30 पे ही होने वाली है। तो सारे बच्चे 10:30 पे क्लास को ज्वाइन करना वाईफाई स्टडी पे। तो यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर बी एंड सी है, तो जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, टेबल टेनिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दीप कश्यप का, डीके मीना का आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रकाश का भी बिल्कुल ठीक है, तो सी सुधांशु आपका गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? ए कृष्णा मंजीरा, बी गोदावरी काबिनी, सी इंदस शुभांशरी या डी अलकनंदा पिंदर। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कौन से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी का मेल सही है ये आपको बताना है। हर्षवर्धन हेलो, आदित्य बोल रहे हैं इंदस का, आवारा जीनियस का डी, सुशांत का सी। तो जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक है, अलकनंदा और पिंदर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मंजीरा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। मंजीरा रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। ठीक है, शुभांशिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। तो बचता कौन सा है आपका? पिंदर। तो आंसर इज 29th का डी, अलकनंदा पिंदर। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? ऑप्शन ए लेपाक्षी, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी सासाराम या ऑप्शन डी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 30। और सारे स्टूडेंट वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पे विनीत कुमार, एमजी गेमर का बी क्वेश्चन नंबर 30 का, और बच्चे बताओ। तो एमजी गेमर, एम के प्रजापति, सोनू, बापी, अनिल सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, भीमबेटका। ठीक है, ये एक हेरिटेज साइट है और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। हम्पी कहाँ पे है आपके? कर्नाटका में। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। और लेपाक्षी कहाँ है वो आप मुझे बताओ। आपको मैं दो ऑप्शन दे देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा। आप बता दो कि लेपाक्षी कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 31। द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी देहरादून में। मैथ्स स्टडी आप तो खुद ही पढ़ाते हो। डेली का शेड्यूल 11:15 है, ठीक है अनिल, डेली का शेड्यूल 11:15 है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए।
तो मैंने आपसे पूछा लेपाक्षी कहाँ पे है, तो यहाँ पे सारे बच्चे एकदम फ्लो में आंसर दिए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा ने दिया है उड़ीसा और कुछ बच्चों ने दिया है अरुणाचल प्रदेश, और दोनों का ही आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज यहाँ पे तो जोधपुर होगा, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में है, और उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं है, बस तुक्का लगाने लग गए, या तो उड़ीसा है या अरुणाचल प्रदेश है। करेक्ट आंसर इज डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, विच फीमेल इंडियन क्रिकेटर वॉन द बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2019? किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने 2019 के लिए बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? ऑप्शन ए शांता रंगा स्वामी, ऑप्शन बी डायना एडुजी, ऑप्शन सी अंजुम चोपड़ा, या ऑप्शन डी जुलन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 32, तो तुम लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही रहते। तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा एंड कृष्णा माचारी दोनों को ही क्या मिला था, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अंजुम चोपड़ा एंड कृष्णा माचारी श्रीकांत दोनों को क्या मिल दिया गया था, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कब का, 2019 का। ठीक है, तो अंजुम चोपड़ा और कृष्णा माचारी श्रीकांत दोनों का नाम याद रखना। 33, विच ISO सर्टिफाइड पर्टेन टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सा ISO नंबर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए 9001, ऑप्शन बी 27001, ऑप्शन सी 14001, या ऑप्शन डी 22000। क्वेश्चन नंबर 33, बताओ। बाली शेखावत का आंसर है 9001। तो 9001 तो बिल्कुल ही गलत है, ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है। अब बताओ, तीन ऑप्शन बच गए, कौन सा ISO सर्टिफाइड करता है आपके एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को? तो दिलीप आपका भी आंसर बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ठाकुर विक्की एंड आयुष आप दोनों का आंसर आ रहा है सी, और आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी 14001। ठीक है, 14001 इज द करेक्ट आंसर। जो 22000 होता है ये किसके लिए होता है, फूड सेफ्टी सिस्टम के लिए। ठीक है, 22000 आपका फूड सेफ्टी सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1084 की माँ? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णा शोभती, ऑप्शन बी सुगता कुमारी, ऑप्शन सी रीता कोठारी, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 34, सत्ताईस हजार एक तो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है, तो यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे हैं डी 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 महाश्वेता देवी, और आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, महाश्वेता देवी। ठीक है, जो आपकी 1084 की माँ थी, ये एक बंगाली बुक थी 1974 की, बंगाली बुक थी 1974 की, जिसकी ऑथर कौन थी, महाश्वेता देवी। ये कम्युनिस्ट थी, ठीक है, ये कम्युनिस्ट थी, और इनको पद्मभूषण और पद्मा विभूषण दोनों ही अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको, महाश्वेता देवी को। तो 34th करेक्ट आंसर इज डी महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 35, इन जनवरी 2020 विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन MOU फॉर द कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड बेटार? बेटार कहाँ पे है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2020 में ऑल इंडिया रेडियो और बेतार के बीच संदर्भ विनियम कार्यक्रम के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सोनू कुमार का बी, अनिल प्रसाद का बांग्लादेश, दीप का भी बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 36, द शास्त्र रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आप क्वेश्चन देख करके इसका आंसर गेस कर सकते हो। ऑप्शन ए डांसर, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी लिटरेचर, या ऑप्शन डी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो आंसर रामानुजन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि रामानुजन के नाम पे है, तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा,
आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर इज डी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 37 अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 269, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 374 या ऑप्शन डी आर्टिकल 368। ठाकुर विक्की देखो मुझे तो पढ़ाना है, मेन पढ़ना आप लोगों को है, तो मोटिवेट आपको होना चाहिए कि आप कैसे मोटिवेट हो कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम अपना क्रैक कर लो। तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 किस में आता है, पार्ट 20 में आता है, इसने अधिकार दिया हुआ है संसद को कि वो संविधान में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो आर्टिकल 368 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इंडिया वॉज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम कौन सा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, बी 1947, सी 1833 या डी 1858। क्वेश्चन नंबर 38 तो सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो यहाँ पे सोनू कुमार का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज़ द करेक्ट आंसर। आवारा जीनियस का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, एमजी गेमर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, अनिल प्रसाद का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्क इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी। ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी TCS, ऑप्शन डी रिलायंस। तो बताओ कौन सी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ था। ठाकुर विक्की HDFC तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ना ICICI हो सकता है, जब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं तो इन दोनों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आंसर इज डी रिलायंस, ठीक है, तो रिलायंस इज द करेक्ट आंसर। अभिलाष का आंसर बिल्कुल ठीक है, सोनू का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, हनुमंत SJ गौड़ा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए पोलास पारोती, ऑप्शन बी इक्ता जागीर, ऑप्शन सी जॉट सरदेशमुखी, ऑप्शन डी जट सावर। क्वेश्चन नंबर 40 10 लाख का पूछा गया था, तो अभिषेक चौहान का आंसर, सुशांत का, सोनू का, प्रशांत का, दीप का, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चॉट एंड सरदेशमुखी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर, पृथ्वी एक घंटे में अपनी धुरी पर कितने डिग्री चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 24। MG गेमर आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक था, अभिलाष, टाइगर, सत्यम, सोनू, सुधांशु, हैप्पी चैनल, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिनकर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, दीप का, रत्ना, प्रभा, सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, आंसर इस 15 डिग्री पे, ठीक है, 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बना दिया गया। ऑप्शन ए 92nd, ऑप्शन बी 61st, ऑप्शन सी 52nd या ऑप्शन डी 86th। क्वेश्चन नंबर 42 तो यहाँ पे दीप, संगीता, आवारा, मिंटू, प्रशांत, सोनू, कामेश सभी एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 इन विच ईयर वॉज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1982 में। और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो आप लोग।
तो यहाँ पे सभी शोमेन हैप्पी चैनल हनुमंत यदुवंशी आवारा जीनियर संदीप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आंसर इज डी 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। फॉर्म हुआ था ये आपका 1982 12 जुलाई को। और अभी इसके हेड कौन है? जी आर चिंटला इसके अभी क्या है? चेयरमैन है। तो आंसर 43 का हो जाएगा डी 1982। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब? निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी आरोटा, ऑप्शन सी लैरिनेक्स या ऑप्शन डी ओसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 44th, तो आवारा जीनियस का ओसोफेगस, संगीता का, कुणाल का, सुधांशु का, शुभम का, पीयूष का, पैसिफिक, एंजल, प्रांशु, सोनू, सभी का आंसर डी है। एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44th करेक्ट आंसर इज डी ओसोफेगस। सौरभ जैसे आप आए हो उस टाइम वैसे ही बहुत कोई आ जाएंगे देखने। ठीक है, अभी ट्रेंड चलता है 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोने का, तो आ सकते हैं लोग, इसलिए आप बस शेयर और लाइक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कुवत उल इस्लाम, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा या ऑप्शन डी अलई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 45, तो सभी का आंसर आ रहा है बुलंद दरवाजा। एंड बुलंद दरवाजा इज द करेक्ट आंसर। ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ पे है? आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। और इसको बनाया किसने था? अकबर ने। ये क्या था? एक विक्ट्री पोर्ट था जो गुजरात पे जीत के बाद अकबर ने बनवाया था। और कहाँ पे है ये? आगरा फतेहपुर सीकरी। तो 45 करेक्ट आंसर इज सी बुलंद दरवाजा। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द सेशन, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट वॉज रेटिफाइड, ऑप्शन सी खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च एट दिस इवेंट या ऑप्शन डी क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज पास्ड। क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 का सारे बच्चे खिलाफत मूवमेंट कह रहे हो? 46 का टाइगर खिलाफत मूवमेंट, हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ गुजरात बताया तो है अभी दीप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, यहाँ पे आपके कराची सेशन की बात हो रही है 1931 की, और आंसर हो जाएगा द गांधी इरविन पैक्ट वॉज रेटिफाइड, क्योंकि 5 मार्च 1931 में आपके गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ था? एक पैक्ट साइन हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द टेम्परेचर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। वायुमंडल के उच्च स्तर पर आयोजन ऑक्सीजन पर डैश के अभिनय का एक उत्पाद है। ऑप्शन ए आईआर रेडिएशन का, ऑप्शन बी यूवी रेज का, ऑप्शन सी गामा रेज का या ऑप्शन डी एक्स रेज का। क्वेश्चन नंबर 47, शुभम मंडल, हैप्पी, शोमेन, यदुवंशी, संजय, रूपम, दीप, विक्रांत, कामेश, टाइगर, सुशांत, संगीता, ऋषिकेश, आयुष, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर इज यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है 47 का बी। अभी बादशाह का भी, एमजी गेमर का, मिंटू का, टाइगर यादव, सबका आंसर करेक्ट है। 48, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड डैश। कल भी मैंने आपको बताया था चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी कृष्णा देव राय, ऑप्शन सी हेमू या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पे सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल रूपम का, वीर का, यदुवंशी, शोमिन, संजय, आवारा जीनियस, तनु, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। शेर शाह सूरी। ठीक है, जो आपका बैटल ऑफ चौसा हुआ था ये आपका 26 जून 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और इसके बाद ही शेर शाह सूरी को किसका टाइटल मिला था? सुल्तान का टाइटल मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज डी शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 49,
कुणाल आप तो पहले भी आते ही थे ना, कल की क्लास की टाइमिंग सुन लो, कल सुबह 10:30 बजे, कल सुबह 10:30 बजे वाईफाई स्टडी पे क्लास होगी, तो सारे बच्चे वाईफाई स्टडी पे कल सुबह आ जाना, ठीक है? सबसे पहले कल सुबह आना वाईफाई स्टडी पे। तो बिल्कुल ब्राह्मणी इज द करेक्ट आंसर। ध्रुव ज्योति भूनिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। पुष्पांजलि आपका भी, अंकित आपका भी। ब्राह्मणी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो 49th करेक्ट आंसर इज डी। 50 विच कंट्री होस्टेड द 13 साउथ एशियन गेम्स? 13वीं दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए मालदीव्स ने, ऑप्शन बी भूटान ने, ऑप्शन सी नेपाल ने, ऑप्शन डी इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 50। माही नहीं होगा सुधांशु, ब्राह्मणी होगा। अभिलाष और अनिल प्रसाद आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक था। कुणाल आपका भी बिल्कुल करेक्ट। तो आपके जिसने 13th साउथ एशियन गेम्स को होस्ट किया वो संजय का आंसर बिल्कुल ठीक है। सोनू का भी बिल्कुल ठीक है। दीप कश्यप का भी बिल्कुल ठीक है। नेपाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नेपाल ने किया। क्वेश्चन नंबर 51। इथोपिया इज रिलेटेड टू अफ्रीका इन द सेम वे ब्राज़ील इज रिलेटेड टू ए अफ्रीका, बी ब्राज़ीलिया, सी नॉर्थ अमेरिका या डी साउथ अमेरिका। तो आपसे पूछा है जैसे इथोपिया का संबंध अफ्रीका से है, मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आपका इथोपिया पड़ता है, उसी तरीके से ब्राज़ील किस में पड़ता है आपके? तो विक्रांत, अखिल, गुरु, ध्रुव ज्योति, आवारा जीनियस, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। साउथ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। हु डिज़ाइन द लोगो फॉर द लोकपाल इन इंडिया? भारत में लोकपाल का लोगो किसने डिज़ाइन किया? एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आप लोग सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। ऑप्शन ए बीपी राजू, ऑप्शन बी प्रशांत मिश्रा, ऑप्शन सी दीपक पूनिया या ऑप्शन डी कामा रेड्डी। तो आवारा जीनियस का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। सबसे पहले प्रशांत मिश्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रशांत मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेलिब्रेटेड इट डैश फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 15, 2020। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 135 या ऑप्शन डी 140। क्वेश्चन नंबर 53। बस 55 क्वेश्चन है आशीष। तो यहाँ पे जो भी बच्चे 139 बोल रहे हो, एंजल प्रिंस, आपका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज 145। आपके इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कितने वर्ष पूरे हो गए? 145 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि ये एस्टैब्लिश कब हुआ था आपका? 1875 में, ठीक है, 1875 में। तो 53rd करेक्ट आंसर इज ए 145। और अखिल गुरु का आंसर, सोनू का, कामेश का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, प्रांशु गुप्ता का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर? जीएनपी के लिए, जीएनपी किसके लिए आपका खड़ा होता है, मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण निगम परिषद, ऑप्शन बी ग्रामीण निशाक प्रमाण, ऑप्शन सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ऑप्शन डी ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 54। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 55 क्वेश्चन ही थे। और जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव ज्योति, हैप्पी चैनल, शुभम, आशीष, आवारा जीनियस, हर्षवर्धन, आपका गलत है, विश्वजीत, शोमेन, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसंख्याक इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1529 को, ऑप्शन बी 1522 को, ऑप्शन सी 1921 को या ऑप्शन डी 1911 को। और कल सुबह 10:30 AM पे, 10:30 AM पे क्लास है आप लोगों की वाईफाई स्टडी पे। तो सारे बच्चे कल वाईफाई स्टडी पे आ जाइएगा सुबह 10:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 55। तो एंजल, विकास, हर्षवर्धन, सोनू, अभिलाष, संजय, यदुवंशी, अखिल, विक्रांत, आवारा जीनियस, आयुष,
कुणाल, अभिषेक, प्रशांत, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री, क्योंकि आपके जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गया था, पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया था, इसलिए 55 करेक्ट आंसर इज सी 1921। तो आप सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे न्यू हैं, सारे बच्चे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाओ, GA/GS बाय वर्षा सिंह, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप मिल जाएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी में पहले से ही जुड़े हुए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप मेरा बस नाम सर्च कर लेना अनअकैडमी पे, आपको मेरा नाम मिल जाएगा, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। डेली जो फ्री क्लास होती है वो होती है 4:55 पे। कल जो आपकी क्लासेस है वो कल सुबह 10:30 वाईफाई स्टडी पे है। वाईफाई स्टडी तो सभी जानते ही होंगे, तो वाईफाई स्टडी पे कल सुबह 10:30 आप लोगों की क्लास है, तो सारे बच्चे कल सुबह 10:30 वाईफाई स्टडी पे क्लास लेने के लिए आ जाना, ठीक है। और प्लस पे अभी पॉलिटी चल रहा है, तो जिसने भी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लो, कोड वर्षा यूज़ करना। आप में से जो भी स्टूडेंट चाहे कोई सा भी कोर्स लेता है, बैंक, SSC, रेलवे, कुछ भी, डिफेंस, तो आप इस कोड का यूज़ करिएगा वर्षा का, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन होगा तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही था, वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह 10:30 वाईफाई स्टडी पे, ठीक है। एंजल प्रिंस बाय दिनकर, दीप, पीयूष, सुधांशु, अभिलाष, शुभम बाय संगीता, संजय हाय, अब तो हाय नहीं, अब खैर बाय, चलो टाटा बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जल्दी से वीडियो को सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, सभी लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, और जिसका भी कल एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट।